सो हे गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी यमी बनाना मिल्क शेक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मिक्सर में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिल्क ले लिया है, उसके बाद ऐड करूंगी एक स्लाइस किया हुआ बनाना, उसके बाद थोड़ा सा शुगर टेस्ट के लिए और हॉर्लिक्स, इससे अच्छा टेस्ट आता है इसलिए इनको थोड़ा सा मैं मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे दूध अवेलेबल नहीं था तो मैं यहाँ पे एक टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड करूँगी, थोड़ा सा मेरा बचा कुचा जो मिल्क था वो भी ऐड कर लूँगी, और क्वांटिटी के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। आप चाहो तो आइस क्यूब्स ऐड कर सकते हो, बट वो सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता इसलिए मैं वो ऐड नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और यहाँ पर हमारा डिलीशियस यम्मी बनाना मिल्क शेक रेडी है। आप चाहो तो इसको ब्रेकफास्ट पे या फिर इवनिंग पे भी क्या मतलब कि ड्रिंक कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा रहता है और काफ़ी फुल भी रहता है और हेल्दी भी रहता है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। उसके साथ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हॉर्लिक्स गार्निशिंग के लिए डाला है, तो ये रेडी है।